वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं रिव्यू करूंगा G5 की न्यू मूवी डायल 100। तो कैसा था ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, वही बात करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले एक इंट्रो हो जाए। इस मूवी के स्टारकास्ट में है मनोज बाजपेयी, शक्ति कन्वर, नीना गुप्ता एंड और भी कैसे अच्छे एक्टर। अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। मनोज बाजपेयी के पास एक कॉल आता है एक अननोन नंबर से, जो कॉलर है वो नीना गुप्ता है। कॉल करके कहता है मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास एक रिवॉल्वर है। एंड उस कॉलर के साथ मनोज बाजपेयी का क्या कनेक्शन है एंड उसे कॉल के बाद मनोज बाजपेयी के लाइफ में क्या होता है वो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी का लेंथ 1 घंटा 44 मिनट है। मूवी का लेंथ बहुत ही छोटा है, देखने में उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये मूवी आप लोग देखोगे क्या? मुझे लगता है आप लोग नहीं देखोगे, क्योंकि बहुत ही एवरेज मूवी है। ठीक है, इस मूवी का क्लाइमैक्स को छोड़कर कुछ अच्छा नहीं लगा मूवी में। इस मूवी का स्टोरी एंड उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही एवरेज है। और मूवी का स्टोरी आप लोग पहले से गेस कर लोगे आगे क्या होने वाला है। एंड इस मूवी का जो एंगेजमेंट है वो भी पूरा जीरो है। ये मूवी स्टार्ट से ही पूरा बोरिंग लगेगा एंड इस मूवी का कैरेक्टर के साथ आप लोग एकदम ही कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, मैंने बोला ही है। और एक्टिंग का बात करूँ तो मनोज बाजपेयी, शक्ति तन्वर एंड नीना गुप्ता ने अच्छा काम किया, लेकिन कैरेक्टर को उस तरह से लिखा नहीं गया, किसी के पास कैरेक्टर को उस तरह से बिल्डअप नहीं किया गया, इसलिए कुछ फील नहीं होगा, कुछ कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप लोग। और मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, वही सेम पुलिस का रोल या कुछ एजेंट का रोल। ठीक है, और उसमें माँ का गाली बहन का गाली दे रहा है और थोड़ा एडिटिंग लगा। ठीक है, कुछ नया देखने को नहीं मिला मनोज बाजपेयी के रोल में। एंड मनोज बाजपेयी का जो बेटे का रोल किया है उसका भी एक्टिंग ओके ओके था, एवरेज, बहुत ही एवरेज। और शक्ति तन्वर का जो लास्ट में रोने वाला सीन था ना वो सुपर्ब था, सुपर्ब। मुझे तो ये मूवी एकदम ही अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और मूवी में सबसे बुरी चीज़ है कि मूवी में नई थ्रिल है, नई मिस्ट्री, नई इमोशन, कुछ फील नहीं होगा। कुछ जगह है जिसमें अच्छा लगेगा ये मूवी, जैसे कि क्लाइमैक्स और लास्ट में और शक्ति तन्वर का इमोशनल सीन, वो दो ही चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा, यही, और कुछ अच्छा नहीं लगा। सच में बहुत ही एवरेज मूवी है। ठीक है, मैं ये मूवी को 4 out of 10 रेटिंग दूंगा। और मूवी में एक दो गाली का सीन है, ठीक है, और मूवी में एडल्ट सीन नहीं है, और आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है ये मूवी देखोगे या नहीं। ठीक है, एक बार देख सकते हो मनोज बाजपेयी सर के लिए, नहीं तो देखोगे मत देखो। और यही था ये वीडियो, चलो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।